डियर स्टूडेंट्स अवेरी वाल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक सेलिंग क्या मतलब होता है पर्सनल सेलिंग का पर्सनल सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एसिस्टिंग एंडुएटिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय अ प्रोडक्ट इन अ फेस टू फेस सिचुएशन इट इज क्वाइट डायरेक्ट एंड पर्सनल एंड इन्वॉल्व ओल ओरल कन्वर्जेशन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सेल्स यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को सेल करना चाहती है तो इसमें जो पर्सनल सेलिंग है वो एक फेस टू फेस सिचुएशन में प्रोडक्ट को सेल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यानी कि पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर आप फेस टू फेस सिचुएशन में अपने बायर को परसोएड करते हुए प्रोडक्ट को सेल करने में कामयाब हो पाते हो कुल के फेस टू फेस सिचुएशन में जब आपको प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो आप पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हो ये कंप्लीटली डायरेक्ट एंड पर्सनल प्रोसेस होती है होता क्या है इसके अंदर जो सेलर हैं और बायर हैं उनके बीच में एक ओरल कन्वर्सेशन फॉलो किया जाता है और उस ओरल कन्वर्सेशन के बेसिस पर प्रोडक्ट की सेलिंग को कंप्लीट किया जाता है तो पर्सनल सेलिंग का मतलब है पर्सनल वे में यानी कि फेस टू फेस वे में डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करते हुए प्रोडक्ट को सेल करने की प्रोसेस सिंपल अल्टीमेट पर्पज क्या है पर्पल पर्सनल सेलिंग का इसका अल्टीमेट पर्पज है अल्टीमेट बायर्स को गुड्स को सेल करना राइट गुड्स एंड सर्विसेज इन टू कॉन्टेक्ट विद द राइट कस्टमर्स यानी कि राइट right कस्टमर्स के कांटेक्ट में आते हुए उन्हें राइट right टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराना और इस तरीके से उनके पर्टिकुलर पर्पज़ को कंप्लीट करना तो दोनों के पर्पज़ कंप्लीट हो रहे हैं जो बायर है उनकी नीड यानी कि जो उनको अल्टीमेट गुड्स चाहिए जो उनको राइट right टाइप के गुड्स चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है और जो सेलर्स हैं वो सेलर्स क्या कर करते हैं राइट टाइप के कस्टमर्स को अपने गुड्स सेल करके अपने सेलिंग पर्पज को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ साथ अपने कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन को भी मेनटेन करने में कामयाब हो पाते हैं तो इस तरह से दोनों के पर्पज कंप्लीट होते हैं पर्सनल सेलिंग के मीडियम से तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर कोई भी फर्म की कवरेज बहुत ज्यादा नहीं है यानी कि लिमिटेड एरिया में अगर कवरेज है तो पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर मार्केट को प्रॉपरली अप किया जा सकता है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ में फिट की जा सकती है कुछ डेफिनेशन है इसके हम उन डेफिनेशन को यह फोकस करते हैं द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टेंटन क्या कहा इन्होंने पर्सनल सेलिंग के बारे में पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन इन कंट्रास्ट टू मास रिलेटिवली कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड अदर प्रमोशनल टूल्स यानी कि इन्होंने इसको कंपेयर करते हुए डेफिनेशन को प्रोवाइड करा इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अदर कम्युनिकेशन टूल्स हैं जैसे एडवर्टाइजिंग है सेल्स प्रमोशन है और अदर प्रमोशनल टूल्स हैं वो इम वे में कम्युनिकेशन को फोकस करते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में जो पर्सनल सेलिंग है वो इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन को सेट करते हुए अपने पर्पस को कंप्लीट करती है तो ये कहना था विलियम जे स्टेंटन का एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी दैट इज अकॉर्डिंग टू रिचर्ड रिचर्ड ने क्या कहा पर्सनल सेलिंग इज कांटेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली यानी जब आप पर्सनल बेसिस पर प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्टिव बायर से कांटेक्ट करते हो तो हम इस प्रोसेस को पर्सनल सेलिंग का नाम देते हैं अगर ये सिंपल डेफिनेशन ऐसे एक डेफिनेशन और है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या है मतलब इसका ओरल प्रेजेंटेशन इन्होंने इसको ओरल प्रेजेंटेशन का नाम दिया ओरल प्रेजेंटेशन इज अ कन्वर्सेशन वेदर वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द परपज ऑफ मेकिंग सेल्स यानी कि उन्होंने कहा कि ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ में कन्वर्सेशन को फॉलो करना और परपज क्या है इसका कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग अ सेल अबाउट योर प्रोडक्ट ंग अन्वर्सेशन विद मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स दिस इज नोन एज दल प्रेजेंटेशन और इसी को उन्होंने पर्सनल सेलिंग के नाम से कॉल किया ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग इज अकॉर्डिंग टू कंटेफ एंड स्टेल क्या कहा है इन्होंने पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली अथड ऑफ कम्युनिकेशन इट नॉट ओनली जुअल्स बट सोशल बिहेवियर ऑफ ईच पर्सन इन फेस टू फेस कॉन्टेक्ट सेल्समैन एंड प्रोस्पेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर इन्होंने कहा कि जो पर्सनल सेलिंग है ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसमें क्या होता है इंडिविजुअल के साथ साथ हम क्या करते हैं जिन पर्टिकुलर पर्सन से फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं उनके सोशल बिहेवियर को भी इन्वॉल्व करते हैं यानी कि हम सोशल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल पर्सन के साथ में कांटेक्ट को मेंटेन करते हैं पर्पज क्या है पर्पज है कि सेल्समैन और प्रोस्पेक्ट दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह से जो सेल्समैन है वो अपनी सेलिंग को कंप्लीट करता है तो इन्होंने इस प्रोसेस को पर्सनल सेलिंग का नाम दिया ये तो बात हो गई अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग यानी कि जो भी हमने डेफिनेशन यहाँ स्टडी रहे हैं, उनके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पर्सनल सेलिंग है इसका मतलब है सेलर्स और बायर्स के बीच में एक ओरल कन्वर्सेशन जहां जो सेलर है वो बायर वो गुड्स एंड सर्विसेज के रेफरेंस में परसोवेड करना चाहता है इन अ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट और इन अ फेस टू फेस सिचुएशन और जब बायर कंप्लीटली कन्विंस्ड हो जाता है तब वो क्या करता है इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेता है दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द पर्सनल सेलिंग नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या क्या फीचर्स के तो जो भी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट किया है उसके बेसिस पर हम इसकी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं द वेरी फर्स्ट फीचर इज दैट पर्सनल सेलिंग इज अ मैथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ए सेलर एंड बायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन वन एन उदर तो पर्सनल सेलिंग क्या है सेलर और बायर के बीच में कॉन्टेक्ट करने का एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें जो बायर है जिसमें जो बायर हैं और सेलर हैं, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट वे में आते हैं यानी डायरेक्ट सेलिंग को फोकस किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सेकेंड फीचर है इसका दैट इट इज एन आर्ट ऑफ परसिडिंग द प्रोस्पेक्ट वेयर ओरल कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड बायर टेक्स प्लेस रिगार्डिंग क्वालिटी प्राइस कैटिस्टिक्स यूज इट इज ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर क्या होता है प्रोस्पेक्ट को परस करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं बाय द सेलर और इसके लिए सेलर और बायर के बीच में एक औरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो सेलर है वो बायर को प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में प्राइस के बारे में फीचर्स के बारे में और उसके यूज के बारे में बताता है और इस तरीके से मैसेज कन्वे करता है अपना जिससे कि जो बायर हैं वो परसवेड होकर प्रोडक्ट को परचेज कर सकें और उसके और उसके लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकें द नेक्स्ट फीचर इज इन पर्सनल सेलिंग द एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट एंड लास्टिंग रिलेशन विद द प्रोस्पेक्ट यानी कि पर्सनल सेलिंग में जब एक सेलर किसी भी बायर को कांटेक्ट करता है तो उसका पर्पज होता है परमानेंट और लास्टिंग रिलेशंस को मेंटेन करना विद द प्रोस्पेक्ट्स यानी जिस प्रोस्पेक्ट से वो कांटेक्ट कर रहा है उसके साथ में परमानेंट और लास्टिंग रिलेशंस को डेवलप करना उसका एम्फेसिस होता है यानी कि अगर प्रोस्पेक्ट को जीत लिया जाता है यानी कि उसके कॉन्फिडेंस को जीत लिया जाता है तो एक सेल्स ट्रांजेक्शन को फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में भी सपोज किया जा सकता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर आज की डेट में सेल नहीं हुई है और आपने एक बेटर रिलेशन उसके साथ मेंटेन कर लिए हैं तो कभी ना कभी तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा यानी कि अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो पर्सनल सेलिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इमीडिएट सेल नहीं होना चाहिए हालांकि हर सेल्समैन की यही इच्छा होती है यही एम्बिशन होता है कि जैसे ही वो कांटेक्ट करे और इन्फ्लुएंस करे तुरंत वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले कस्टमर उसका प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को परचेज कर ले लेकिन ये कभी भी उसका टारगेट नहीं होना चाहिए उसका पर्पज होना चाहिए कि उसके साथ में इस तरीके से रिलेशन को मैंटेन किया जाए जिससे कि आज अगर परचेज नहीं करता है तो फ्यूचर में वो जरूर आपके प्रोडक्ट को परचेज करे ठीक है नेक्स्ट फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग इज दैट सेल्समैन सेल्स प्रोडक्ट बाई फर्स्ट सेलिंग हेज ओन आइडिया और व्यू पॉइंट टू द प्रोस्पेक्ट अगर प्रोडक्ट को सेल किया रहा है, की तरफ से, तो सबसे पहले आइडिया को, को इसका मतलब जो पर्सनल सेलिंग है इट इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्ट कन्विंस करना प्रोस्पेक्ट को यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है पर्सनल सेलिंग में और उसके माइंड को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे और आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाए ठीक है नेक्स्ट फीचर इज पर्सनल सेलिंग रिक्वायर्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ द सेल्समैन यानी कि पर्सनल सेलिंग को फोकस करते हुए एक सेल्समैन की अप्रोच हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ था कि उसको अपने बिहेवियर में मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द व्यू ऑफ द साइकोलॉजी नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स यानी कि जो प्रोस्पेक्ट्स है उसकी साइकोलॉजी क्या है उसकी नीड्स क्या है उसके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सेल्समैन को अपनी परसुएटिंग अप्रोच में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और इसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए तो हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल अप्रोच अगर रिजिडिटी होगी तो हर किसी के साथ में एक ज्यादा बिहेवियर करेगा और ये चलेगा नहीं मार्केट के अंदर क्या करना पड़ेगा उसको फ्लेक्सीबिलिटी लानी पड़ेगी यानी कि जैसा कस्टमर है जैसी उसकी साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उससे उसे ऐसे ही वैसे ही बात करनी पड़ेगी वैसे ही उसको अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तब जाकर वो पर्सनल सेलिंग के मीडियम से बेटर रिजल्ट्स को गेन कर सकता है पॉइंट इज क्लियर नेक्स्ट वन इज द इट helps इन प्रोवाइडिंग मोर important information टू द एंटरप्राइज रिगार्डिंग इट्स टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एंड द मार्केट सबसे बड़ी बात क्या है पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर वो सेल्समैन से डिफरेंट टाइप के फीडबैक लेती है और ये जो फीडबैक हैं वो इसे इसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स उनके बिहेवियर और मार्केट के चेंजिंग पैटर्न के बारे में डिफरेंट टाइप की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पर यह अपनी फ्यूचर पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को

दोनों के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। दो पार्टीज कौन कौन सी यहाँ पर एक सेल्समैन है और दूसरा प्रोस्पेक्ट है सेल्समैन का भी सेटिस्फेक्शन हो जाए और प्रोस्पेक्ट का भी सेटिस्फेक्शन हो जाए इस तरीके से यहाँ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो ये इसका अल्टीमेट गोल होता है ओके सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग थैंक यू